बॉलीवुड के संस्कारी कपल का तलाक, अब अलग होंगे अभिषेक एंड ऐश्वर्या। तलाक की तारीख से फैंस परेशान। इन दिनों सोशल मीडिया में एक कपल है जो काफी चर्चा में छाया हुआ है, और हो भी क्यों ना, 16 साल पुरानी जोड़ी को भला अपने फैंस अलग होते हुए कैसे देख पाएंगे। जी हाँ, आप भी सुनकर हैरान परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन भाई अब तो ये हकीकत है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बीते कुछ साल से ये खबरें आ रही हैं कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और जल्द तलाक लेने वाले हैं। तो समझिए घड़ी अब नजदीक आ गई है और जल्द तलाक की तारीख भी तय हो जाएगी, क्योंकि अभी कयास पूरे पूरे लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ अब बेटी आराध्या बच्चन की वजह से दोनों का रिश्ता बचा हुआ है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने कई बार इन खबरों को कवर अप करने की भी कोशिश जरूर की है, लेकिन ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। और ऐसे में पब्लिक अब ये भी जान गई है कि ये जो ट्विटर पर सिर्फ फैंस को शांत करने के लिए अभिषेक बच्चन दिखावे का प्यार जो जता रहे हैं, ये अब ज्यादा दिनों तक का नहीं चलने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस हॉट कपल को लेकर गली गली गॉसिप चल रही हो। इसकी तो लंबी दास्तां है, और इसीलिए अब तो कपल के फैंस को भी ऐसा लगने लगा है कि कपल के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बता दें कि सुभाष घई के बर्थडे बैश के बीच भी ऐश्वर्या अभिषेक से नाराज ही नजर आई थी। अभिषेक ऐश के पेपरबाजी के लिए पोज देते वक्त गुस्से में उन्होंने अकेला छोड़कर चले गए थे। तो वहीं टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मैच का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें अभिषेक ऐश्वर्या राय से कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभिनेत्री अपने पति की ओर क्रोध से आंखें दिखाती हुई नजर आई थी। हालांकि इसकी खूब सारी तस्वीरें आपने भी टीवी पर देखी या सुनी होगी कि कैसे पब्लिक प्लेस में ऐश ने अभिषेक को आग दिखाई, कैसे कई शोज में अभिषेक ऐश्वर्या का अकेला छोड़ करके चले गए, और कैसे दोनों कई बार सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे पर गुस्सा उतार चुके हैं। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।